शोक विनाश कारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओम श्री गणेशाय नमः ओम सरस्वते नमः ओम श्री अमरनाथाय नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, बाबा की इस पवित्र गुफा में, इस मंगल भवन में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। घर बैठे जो भी भक्तजन MH1 चैनल के माध्यम से नित्य बाबा की आरती का दर्शन कर रहे हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आप सभी बहुत ही पुण्यकर्मी हैं जो ऐसा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। जिस भवन में हम खड़े हैं और जिस स्वरूप के सामने हम खड़े हैं वो संपूर्ण तत्व है। जो देव हैं वो केवल मात्र तत्व हो सकते हैं, पर उन तत्वों को चलाने वाला जो महातत्व है वो भोले बाबा हैं, वो संपूर्ण तत्व है। वो सब प्रकार से हमारा मंगल करने में समर्थ है, हमारे कष्टों को दूर करने में समर्थ रखते हैं। तो जो नित्य बाबा की भक्ति करते हैं बाबा उनका कल्याण करते हैं। बाबा शांत स्वरूप में जहाँ स्थित हैं तो जो संपूर्ण होता है वो शांत भी होता है, परंतु यदि वो क्रोधित हो जाएं तो वो कामदेव को भस्म करने में का भी समर्थ रखता है। वो शांत भी है, पर बाबा जैसा जो तांडव नृत्य है वो भी कोई देव नहीं कर सकता। तो वो नृत्य कला में भी पूर्ण समर्पित है, पूर्णता रखते हैं, इसीलिए वो संपूर्ण तत्व है। वो हर हर महादेव हैं, हर जानी समस्त कष्टों को हरने वाला, हर जानी जो हर जगह है, कण कण में है, जो स्थावर अस्थावर हर जगह में है, हर तत्व में है, कण कण में शंकर है, वो पूर्ण तत्व है। इसलिए जब हम जय घोष करते हैं, हर हर महादेव कहते हैं और अब हमारे जो अंतर चेतना है उसको जागृत करते हैं, तो उपनिषद कहते हैं शंकर क्या है, शंकर शांतम। शंकर जी पहले क्या है, शांत है। दूसरे नंबर क्या है, शंकर शाश्वतम। वो शाश्वत हैं, जो पहले भी थे आज भी हैं वो आगे भी रहेंगे, वो शाश्वत हैं। शंकर जो हैं अद्वैत हैं, शंकर जैसा और कोई देव नहीं। शंकर क्या है, चतुर्थयम। हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत अवस्था जब हम जागते हैं, एक सुषुप्ति जब हम सोते हैं, एक स्वप्न। तो भगवान शंकर इन तीनों से परे हैं, तो आप समझ सकते हैं वो कैसी अवस्था होगी। ऐसी अवस्था में देव ही जा सकते हैं जो जागृत में जाते हैं, स्वप्न में जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं। वो जो तीनों अवस्थाओं से परे हैं, स मन्यते स आत्मा स विज्ञा, जो वह आत्मा है वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे भोले बाबा हैं। जब हम भक्तजन बाबा की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये अनुभव होता है कि अहम जो है हमसे दूर चला गया है, तो तब क्या होता है, शिवोहम, जो हम देह से देही की तरफ चले जाते हैं, शिवोहम की हमें अनुभूति होती है। पर तो जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जब इस स्थिति में भक्त पहुँच जाता है, तो भक्तगणों ये ध्यान रखिए कि जब हम शिव कृपा थोड़ी सी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तब जो उस कृपा का वर्णन हर जगह ना करें, हर जगह ना करें, उससे कृपा कम होती जाती है, हम परिपक्व हुए होते नहीं, हमारे ऊपर अभी पूर्ण कृपा नहीं हुई होती, पर हो रही होती है। जगह जगह चर्चा करने से वो कृपा कम होती जाती है। यदि आप उस अवस्था में कहीं पहुँच भी जाएंगे जिस समय आपको लगेगा कि बाबा मेरे साथ हैं, मैं चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, जब हम शिवोहम की अवस्था में पहुंच जाएंगे
तो आपको उस तत्व का कहीं वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप ही शिव स्वरूप हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इसी शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से, इसी भावना को धारण करते हुए आज की आरती का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेश लक्ष्मीकांतम योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोके ॐ मंगलं भगवान विष्णु मंगलं जाति सद्यो वंदे तमुच्यतां ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ शांति 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 सर्वारिष्टसु शांति। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती गेट के बाहर लेंगे। बोलिए बाबा बर्फानी की। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल इंडिया का अपना चैनल।